अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। जनपद अमरोहा की विधानसभा नौगांवा सादता से कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी चौधरी सुखराज सिंह ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। वहीं चौधरी सुखराज सिंह ने बताया कि नौगांवा सादात विधानसभा की विधायक संगीता चौहान ने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में गांव में अभी तक किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है, साथ ही विकास के नाम पर पलीता लगा रही है। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले साल 2022 मिशन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार को जवाब देगी। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, लगातार जिस तरीके से धीरे धीरे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरीके से पार्टियों ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है और प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। जनपद अगर अमरोहा की बात करें तो जनपद अमरोहा में 4 विधानसभाएं हैं जिनपे 3 विधानसभाओं पर बीजेपी ने मुद्दे मार रखा है और एक पर जो सभा है जहां महबूबली है, महबूबली लगातार 4 बार विधानसभा विधायक रह चुके हैं। और हम आपको बता दें कि जनपद अमरोहा की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है जल भराव को लेकर के हम आपको बताएंगे। इस समय जो है हम जनपद अमरोहा के विधानसभा में खड़े हैं, हम उनके आवास पर आए हुए हैं जो चौधरी सुखराज जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। चलिए हम उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, जिससे बताइए। देखिए जो यहाँ के नौगांव विधानसभा के मुद्दे हैं वो 32 साल से जातिवाद की राजनीति ने उनको सारे विकास को खत्म कर दिया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब एक तरीके से तराई तराई कर रहे हैं। ना कोई शिक्षा पे काम हुआ है, ना कोई स्वास्थ्य पे काम हुआ है, यहाँ तक कि जो सूत मिल और नौगांवा की एक पहचान था उसको भी इन सरकारों ने बंद कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बेचने की पैक में लगे हुए हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। अच्छा, जिस तरीके से आपने क्या प्रतिज्ञा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्र में विकास करने के दावे कर रही है। देखिए प्रियंका जी ने, हमारी नेता प्रियंका जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान जिस दिन पहले दिन संभाली चुनाव में उतनी उसी दिन पहले दिन प्रतिज्ञाएं ली थी कि किसानों का पूरी तरह से कर्जा माफ किया जाएगा, जो बिजली के बिल हैं उनको अदा करा जाएगा। बिजली के बिल की महंगाई की वजह से जनता त्राई त्राई कर रही है, कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करे जाएंगे, ये प्रतिज्ञाएं हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने ली हैं। जहाँ सवाल उठता है बेटियों का, तो बेटियों को जो इंटर करने वाली बेटियां हैं उनको स्मार्टफोन देने की प्रतिज्ञा ली है और जो उससे ऊपर निकलती हैं स्नातक की तरफ जाती हैं उनको स्कूटी देने की बात हमारी नेता ने प्रतिज्ञा ली है। ये सारी प्रतिज्ञाओं के साथ यहाँ तक कि 3 सिलेंडर गैस की मुफ्त देने का वादा हमारी नेता ने करा है, क्योंकि महंगाई की मार जनता बुरी तरह घेर रही है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है, ये 400 रुपये के सिलेंडर में कंधे पर सिलेंडर रखकर घूमते थे बीजेपी वाले, और आज 950 रुपये के सिलेंडर पर भी इनको जनता की फिक्र नहीं है। इसलिए हमारी नेताओं ने प्रतिज्ञा ली कि हम जब तक सेंटर में हमारी सरकार नहीं बनेगी हम टैक्स कम नहीं करेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम जनता के हर परिवार को 3 सिलेंडर साल में मुफ्त देंगे। आंगनबाड़ियों को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर, विकलांगों को लेकर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमारी नेता ने करी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से हमको आशा है कि वो जातिवाद की राजनीति से उठकर, धर्म की राजनीति से उठकर विकास की राजनीति की तरफ कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। अच्छा, जिस तरीके से आपको बता दूं कि लगातार क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, अब तक आप कितने गाँव में घूमे, क्षेत्र में कैसा विकास कार्य देखने को मिलता है? देखिए अब तक मैं तकरीबन 170 गाँव में डोर टू डोर जाकर हमारी टीम व मैं ज्यादा से ज्यादा गाँव में मैं स्वयं जाकर मैंने दौरा करा है और देखा किसी भी गाँव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास की तरफ तो इन सरकारों का ध्यान ही नहीं है। एक सरकार आती है वो एक जाति की राजनीति करती है, दूसरी सरकार आती है वो दूसरी जाति की राजनीति करती है, उसके बाद तीसरी सरकार आती है वो धर्म की और जाति की राजनीति करती है। ये सब तीनों एक थैली के चट्टे बट्टे, इन्होंने कोई विकास का काम नहीं करा है। उत्तर प्रदेश में विकास नाम की चीज तो देखने को ही नहीं मिल रही है। क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो प्राथमिकता, देखिए क्षेत्र की प्राथमिकता जो भाजपा सपा बसपा ने नौगांवा को विकास नहीं दिया है, उस विकास के लिए चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, बड़े बड़े अस्पताल नौगांवा विधानसभा को दिए जाएंगे। आज तक जो कांग्रेस की सरकार में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल ये खोले गए थे उनको भी सरकार बंद करने की तरफ चल रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनकी सबकी व्यवस्था सुरक्षा दुरुस्त की जाएगी और नए स्कूलों का, बड़े कॉलेजों का, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सरकारी कॉलेजों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए मैं जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करके नौगांवा विधानसभा के लिए अस्पताल, कॉलेज और स्टेडियम, इन 3 चीजों पर सबसे पहले फोकस करूंगा। और जो रोड जहाँ जहाँ रोड बने हुए नहीं है, कई इलाके मैंने ऐसे देखे हैं कि वहां पर 10-15 किलोमीटर तक अभी खरंजा भी नहीं हुआ है, डामर को छोड़िए, रास्ता को छोड़िए, खरंजा भी नहीं हुआ। कच्ची सड़कों पर धूल, गहरे गहरे गड्ढे,
बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग कहते हैं कि हमको 32 साल हो गए, हम जिससे भी बात करते हैं वो चुनाव से पहले हमारी सड़क बनवाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इधर को कोई पलटकर नहीं आता। मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ और इसलिए जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी। अगर पार्टी ने मेरे हक में फैसला करा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नौगावा की जनता मुझको जिताकर विधानसभा भेजेगी और विकास का हर संभव प्रयास करूंगा। अजय देखिए, जैसा कि सुभाष जी ने बताया है कि क्षेत्र में कांग्रेस करेंगे, तो हम आपको आगे भी बताएंगे कि क्षेत्र में किस तरीके से दौरा करेंगे, किस तरीके से विकास कार्य किया जाए। तो मेरे कैमरामैन सुमित के साथ रोहित कुमार साधना न्यूज।